छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स की जान बचाई गई है। दरअसल बेकाबू धार में ऐसी फंसी कि संकट में प्राण फंस गए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रतनपुर के पास एक शख्स पानी में ऐसा कूदा कि उसकी जान बचाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वायुसेना से मोर्चा संभाला। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उस शख्स को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स कई घंटों तक एक पेड़ के सहारे नदी में बचा हुआ था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स 16 घंटे तक इस पेड़ के सहारे पानी के बीच में फंसा रहा। लोग सोच समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस शख्स को कैसे बचाया जाए, लेकिन देवदूत बनकर आई वायुसेना, जिसने इस शख्स को बचा लिया। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का मामला है। दरअसल लगातार कई राज्यों में बारिश हो रही है और उससे जो नदियों का जलस्तर है वो एकाएक करके बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर मामला हुआ, जब आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी उफनती हुई, लगातार जो धार है पानी की वो तेज बहाव के साथ पानी वहाँ पर बहता हुआ, और इसी बीच ये शख्स वहाँ पर फंस गया। 16 घंटे महज एक पेड़ के सहारे वो बचा रहा और देवदूत बनकर आई वायुसेना ने आखिरकार उस शख्स को बचा लिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चारों तरफ से इस शख्स के पानी ही पानी है, तेज धारा बहती हुई, जो हल्की सी चूक के चलते इसकी जान को गंवा सकती थी वो भी पानी के बहाव के साथ बह सकता था, लेकिन उस पेड़ के सहारे ने उसे वहाँ पर बचाए रखा और वक्त पर वायुसेना भी पहुँची, जिसने आखिरकार इस शख्स की जान बचाई। ये तस्वीरें अपने आप में ही हैरान कर देने वाली, क्योंकि इन तस्वीरों को देख के ही बड़े बड़े के पसीने छूट जाए, लेकिन ये शख्स डिगा नहीं, वहाँ पर उस पेड़ के सहारे वो अटका रहा और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद 16 घंटे के तकरीबन बाद देवदूत बनकर वायुसेना उसे बचाने आई।